अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं आपको अपने चैनल ब्यूटी बाय ज़ैनी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको फेशियल के मुतालिक बताने जा रही हूँ। ये वाइट ग्लो का फेशियल है और छोटी उम्र की लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है। ये इसकी पैकिंग है, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है और एक मज़बूत पैक है। ये देखें, इसे हम फेशियल ख़त्म होने के बाद भी अपने मेकअप की छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़बूत है ये बैग। ये नहीं कि आपका फेशियल ख़त्म होते ही फट जाएगा, नहीं, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। और आइए चलते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छी हैं या नहीं। ये देखें, ये है इसकी, ये देखें, ये 5 पैकिंग का फेशियल है। ये तकरीबन आपको मेरा ख्याल है कि 600 में मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा फेशियल है, इसकी इतनी कीमत नहीं है जितना कि ये अच्छा है। और ये 5 स्टेप में हमें स्टेप बाय स्टेप जैसे करना है वैसे मैं बताऊंगी। ये देखें, ये इसके 2 स्टेप हो गए, 3, और इसके हो गए 4, और ये 5। ये देखें, ये बहुत अच्छा फेशियल है। अब मैं आपको इसके मतलब इसका तरीकाकार बताऊंगी। इसमें से सबसे पहले तो आपने देख ले कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं इसमें। इसमें है मसाज क्रीम, फेशियल फॉम, पॉलिशर, मास्क और स्क्रब। हम जो इसमें सबसे पहले चीज़ यूज़ करेंगे वो है हमारा ये फेशियल फॉम। ये देखें, ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, फेशियल फॉम। फेस स्टेप 1 है ये, ये देखें, स्टेप 1 है वाइट ग्लो फेशियल फॉम। जेम्स और बैक्टीरिया से आपकी स्किन को बचाता है और आपको ग्लो करता है। ये बहुत अच्छा फिल्म है, फेशियल है ये। अब मैं इसको इसके आपको क्लिनजिंग बताती हूँ। ये है फेशियल फॉम। हाँ जी, सबसे पहले हम इसकी क्लिनजिंग करेंगे। आपने इतनी मकदार में अपने चेहरे पे लगाना है। ये क्लिनजिंग के तौर पर फेशियल फॉम बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपकी स्किन को वॉश करता है, डर्ट को रिमूव करता है और स्किन पर शाइन आ जाती है। ये देखें, आपने पूरे 5 से 7 मिनट तक अपने पूरे फेस की इससे क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग आपको हमेशा मैं बताती हूँ कि क्लिनजिंग आप हल्के हाथ से ही करें। आपने ज़्यादा जोर लगा के क्लिनजिंग नहीं करनी, ना हाथ को दबा कर करनी है। उतनी आपकी स्किन, जितनी आप हल्के हाथ से करेंगे आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी। ये देखें, और इसके दूसरे नंबर पर हम लगाएंगे स्क्रब। ये स्किन वाइटनिंग ग्लो स्क्रब है। ये स्किन को वाइट करता है, एक हेल्दी ग्लोइंग देता है। इसका मसाज आपने उस वक्त तक करना है जब तक ये बिल्कुल ब्लैंड ना हो जाए, यानी कि इसके अंदर जो बारीक सा दाना सा होता है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, आपने बहुत हल्के हाथ से इसका मसाज करना है, इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है। अगर थोड़ा ड्राई हो जाए तो आप हाथ गीला करके दोबारा अपनी मसाज को कंप्लीट करें। देखिए, आप जितने भी हल्के हाथ से मसाज करेंगी उतना ये जल्दी ब्लैंड होगा। अगर आप तेज हाथ से करेंगी तो ये बिल्कुल भी ब्लेंड ना होगा। ये देखें, मैं हाथ गीला करके बार बार इसका मसाज कर रही हूं। हाँ जी, इसके पास है मेरे पास की पॉलिशर। ये देखें, ये स्किन पॉलिशर है। ये आपने अपने
हाथ पे लगाना है और 5 मिनट तक इसे छोड़ देना है। यूं ही लगा के आपने 5 मिनट तक इसे छोड़ना है। हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं हल्के हाथ से इसकी 2 मिनट के लिए मसाज करूंगी। आपने हल्के हाथ से 2 मिनट इसकी मसाज करके इसे आपने पॉलिशर को उतार देना है। अब आपने जो मसाज करना है ये है मेरा चौथे नंबर पर। फर्स्ट स्टेप है मसाज। ये देखें, जो कि स्मूथ ग्लोइंग स्किन है, ये भी आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है और रंग को साफ़ करने में आपकी मदद करता है। इसका भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह मसाज करना है जैसे हमने पहली क्लिनजिंग का किया। पॉलिशर के बाद ये पॉलिशर हम तीसरे नंबर पर इसलिए लगाते हैं, जो हमें पॉलिशर लगाना होता है वो हम थर्ड नंबर पर ही लगाते हैं। अगर हमें पॉलिशर का मसाज करना हो तो हम फेशियल फॉर्म के बाद करेंगे। और ये हमने लगाना है पॉलिशर के तौर पे, इसलिए हमने तीसरे नंबर पर लगाया था। और अब हमने मसाज क्रीम को इसके बाद मसाज के लिए रखा। ये देखें, बस आपने ज़्यादा देर इसका मसाज नहीं करना, ये बहुत अच्छा मसाज है। हाँ जी, अब आपने अपने स्किन पे लगाना है मास्क। ये देखें, ये है मेरे पास मास्क, स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग मास्क, वाइट ग्लो का। ये आपने अपनी स्किन पे लगा के 10 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। बस इसकी ज़्यादा मोटी तह नहीं लगानी, बस इसी तरह लगा के आपने, बिल्कुल पॉलिशर की तरह लगा के आपने इसे भी छोड़ देना है। हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसे साफ करूँगी। ये अच्छी तरह आपने साफ़ करना है। साफ़ करके मैं अच्छी तरह आपको दिखाती हूँ जी। ये अब मेरा साफ़ हो चुका है मुकम्मल तौर पे। ये देखें, ये आप मेरे फेस पे अभी, हाँ, हैंड गीला है और ये खुशक भी हो जाएगा, लेकिन आपने अब देखना है कि इस फेशियल ने कितनी आपकी स्किन ग्लो कर रही है और कितना फ़र्क आपको वाजिया नज़र आ रहा होगा। ये देखें, हाँ जी, इस फेशियल की और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। ये तकरीबन 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये हर्बल और फ्रूट फेशियल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छा फेशियल है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा।